channel, that is a village teacher, and I am here as Kitrupati, your village teacher, giving you a few drops of knowledge from the ocean of English language. And further, I would like to request you that if you have not subscribed my channel yet, please subscribe it and also share my videos to many more persons so others may be benefited from it. आइए आपको हिंदी में समझा रहे हैं जो मुझे पढ़ाना है. तो देखिए, आज मुझे इन्फिनेटिव का प्रयोग पढ़ाना है. मैं लिखा यूज ऑफ इन्फिनेटिव. इससे पहले मैं पार्टिसिपल पर वीडियो बना करके आपको दे चुका हूँ. आगे जीरण पर आपको वीडियो पढ़ने के लिए मिलेगा. तो इन्फिनेटिव के बारे में आप समझते हैं, जहाँ बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं है, हल्की बात है, वहां मैं स्पीड बोलता चला जाऊंगा. लेकिन जहां कुछ खास समझाने वाली बात है, मैं वहां थोड़ा रुक करके समझाऊंगा. इनके हिंदी वाक्य में नानी ने आज सब निकलते थे, हम समझाएंगे. कहीं कहीं वो नानी ने ना भी नहीं आएगा, तब भी वहां वर्ब के फर्स्ट पार्ट वाले टू आपको लगा हुआ मिल सकता है. इनके हिंदी वाक्य में नानी ने आज सब निकलते हैं, तो ये इन्फिनेटिव की पहचान है. और ये पहचान जीरण की भी, वहां भी नानी नहीं आता, लेकिन वहां एनजी फॉर्म चलता है. इन्फिनेटिव में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से टू लगाते हैं, लेकिन कहीं कहीं नानी ने भी हिंदी में ना आए, तब भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा हुआ मिल सकता है. ये यहाँ मैंने समझाया है, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का प्रयोग कर दे, लेकिन कहीं कहीं बिना टू के ही वो इन्फिनेटिव चलता है, उसको वेयर इन्फिनेटिव या डायरेक्ट इन्फिनेटिव कहते हैं. इन्फिनेटिव विदाउट टू को बोला जाता है. तो इन्फिनेटिव के बारे में आपको जानकारी देनी है ट्रांसलेशन के मेथड से. इससे स्टैंडर्ड टीचिंग भी इन्फिनेटिव पर अगले वीडियो में फिर भविष्य में देंगे. अभी ये भी वैसे वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल है ट्रांसलेशन के हिसाब से. तो देखिए, पहला सेंटेंस हमने लिखा हुआ है, पानी के बिना जीना असंभव है, टू लिव विदाउट वाटर इज इम्पॉसिबल. तो यहाँ पे टू लिव विदाउट वाटर इतना सब्जेक्ट है इज का, तो ये सब्जेक्ट ऑफ एनवायरमेंट. टू लिव विदाउट वाटर इज इम्पॉसिबल, पानी के बिना जीवन असंभव है. जैसे राम इज ए गुड बॉय, तो राम सब्जेक्ट है. तो टू लिव विदाउट वाटर इतना यहाँ सब्जेक्ट है. टू लिव, यहाँ लिव से पहले जो टू आ रहा है इन्फिनेटिव है, वो सब्जेक्ट के रूप में इन्फिनेटिव का प्रयोग हुआ है. पानी के बिना जीना असंभव है. टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा व्यायाम, ये भी बिल्कुल वैसे टू वा की जाए गुड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ. तो मैं समझाना चाहूंगा कि ये नानी ने दोनों में आता है. कहीं कहीं पे इन्फिनिटिव का प्रयोग कर लेते हैं टू के साथ वर्ब की फर्स्ट बार, और कहीं कहीं जीरण यानी वर्ब के आईएनजी जोड़ करके ऐसे ट्रांसलेशन किए जाते हैं. लेकिन उनके कुछ खास नियम है कि जहाँ केवल इन्फिनिटिव ही चलता है, और जहाँ केवल जीरण ही चलता है, और जहाँ दोनों पॉसिबल है, दोनों में लिख सकते हैं, इस पर एक नया वीडियो देना पड़ेगा. तो अभी आप ट्रांसलेशन समझिए, इन्फिनिटिव है क्या. वह चिंतित दिखाई देता, मैंने बोला इन दोनों वाक्यों में वो इन्फिनिटिव सब्जेक्ट के रूप में, ही सीम्स टू बी वरी, तो वरी थर्ड फॉर्म में फर्स्ट पार्टिसिपल में लिखा गया है वर्ब को, टू के बाद में बी आ रहा है, बी तो फर्स्ट फॉर्म होता है. वह चिंतित दिखाई देता, ही सीम्स टू बी वरीड, कहां सीम के बाद में टू नहीं लगाते, जैसे इट सीम्स ऐसा लगता है तो नहीं आया, और वो चालाक लगता है तो ही सीम्स टू बी क्लेवर ऐसे. अब दुकान बंद करने का समय है, तो ये पैसिव वॉइस में इन्फिनिटिव का प्रयोग है. Now it is the time for the shop to be closed. Now it is time for the shop to be closed. दुकान बंद करना मतलब बंद किए जाने का, पैसिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस में इन्फिनिटिव का प्रयोग किया गया है. Now it is the time for the shop to be closed. अब दुकान के बंद किए जाने का समय है, अर्थात दुकान बंद करने का समय है. कच्चा बच्चों के खेलने की जगह नहीं है. The classroom is not a place. कच्चा जगह नहीं है फॉर द बॉयज, लड़कों के लिए टू प्लेइंग, खेलने के लिए फॉर द चिल्ड्रेन टू प्लेइंग. तो कच्चा लड़कों के खेलने की जगह नहीं है बच्चों की. द क्लास रूम इज नॉट ए प्लेस फॉर द बॉयज टू प्ले इन. इनमें प्रीपोजिशन इन आया हुआ है लास्ट में, टू प्ले पहले लिखा हुआ है. ये मकान किराए को खाली है, दिस हाउस इज टू लेट. तो ये भी पैसिव वॉइस में लगभग मानी, थर्ड फॉर्म है, दिस हाउस इज टू लेट, ये मकान देने के लिए है. ये आम खाने में मीठा, दिस मैंगो इज स्वीट टू ईट. ये आम खाने में मीठा, ये आम खाने में अच्छा है, तो दिस मैंगो इज गुड टू ईट. ये बात. सब्जी खरीदने के लिए बाजार जाना चाहता है, ही वांट्स टू गो टू मार्केट टू बाई वेजिटेबल. तो यह ऑब्जेक्ट के रूप में है वो इन्फिनिटिव. वांट्स का ऑब्जेक्ट क्या है, टू गो. और टू मार्केट, तो यहाँ मार्केट कोई वर्ब नहीं, तो प्रीपोजिशन है टू, और टू बाई मैंने खरीदना, यहाँ फिर इन्फिनिटिव है. वांट्स जो एक वर्ब है उसका ये ऑब्जेक्ट है. जैसे आई वांट ए टॉय, मैं खिलौना चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, तो टॉय वहाँ ऑब्जेक्ट. जैसे ही वांट्स टू गो, तो ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है. अपने मित्र को छोड़ने में रेलवे स्टेशन गई, सी वेंट टू द रेलवे स्टेशन टू सी ऑफ आवर फ्रेंड्स. सी ऑफ मैंने छोड़ने जाना.
विदा करना या ओ डबल एफ होना चाहिए, केवल सिंगल एफ से काम नहीं, प्रेजल वर्ब है वो। तो सी वेंट टू द रेलवे स्टेशन टू सी आवर फ्रेंड। अब मेरे पास तुमसे बात करने का समय नहीं है, आई हैव नो टाइम टू टॉक टू यू। बड़ों से बात करने का तुम्हारा एक कौन सा तरीका है, व्हाट इज दिस योर मैनर टू टॉक टू योर एल्डर्स। इतनी रात गए बाजार जाने का तुम्हारा कौन सा समय है, व्हाट इज दिस योर टाइम टू गो टू मार्केट सो लेट इन द नाइट। इतनी रात में देर को, रात में इतनी देर को, अर्थात इतनी रात गए। अब ट्रांसलेशन सीखेंगे, केवल इन्फिनेटिव को जानना है। इन्फिनेटिव के ग्रामेटिकल संबंधी जो कम्पिटिटिव एग्जाम संबंधी जो एक नया वीडियो और बनाएंगे, उसमें इसकी बहुत सारी बारीकियां हम देंगे। यहाँ थोड़ा एक झलक में इसकी ग्लिम्स देखिएगा। अब यहाँ लिखा हुआ है, इतनी रात गए बाजार जाने का तुम्हारा कौन सा समय, व्हाट इज दिस योर टाइम टू गो टू मार्केट टू लेट इन द इवनिंग या सो लेट इन द इवनिंग। अब बारिश होने वाली है, इट इज अबाउट टू रेन नाउ, अबाउट टू का प्रयोग है। अबाउट टू पे वीडियो मैंने एक वीडियो में हमने इसका यूज समझाया हुआ है। ऐसे कुछ वाक्य है जिनका, लेकिन यहाँ हम इन्फिनेटिव पढ़ा रहे हैं, वर्डशिप के फर्स्ट पार्ट में जो टू आता है, इसलिए मैंने एक दो वाक्य वहां दिए हुए हैं। बाकी इसमें बहुत सारे वाक्य दूसरे वीडियो में है, आप वहां सर्च करिए। अब बारिश होने वाली है, इट इज अबाउट टू रेन नाउ। आजकल मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता तो हैज टू हैव टू का प्रयोग, लेकिन गेट अप से पहले जो टू आया है इसलिए मैंने वाक्य लिख दिया है, इन नाउ डेज आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। पिछले साल हम अपनी गायों के लिए हरी घास लाया करते थे, तो इसमें वो नानी ने तो नहीं आया है, लेकिन वर्ब के फर्स्ट फर्स्ट पहले टू आएगा यहाँ। तो लास्ट ईयर, पिछले वर्ष वी यूज टू ब्रिंग, हम लाया करते थे ग्रीन ग्रास हरी घास फॉर अवर काउज अपनी गायों के लिए। तो मैंने बोला था ना कि कहीं कहीं वो नानी ने नहीं भी आएगा, लेकिन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म्स में टू लगेगा, वो इन्फिनिटिव का प्रयोग है। आगे मैंने लिखा हुआ है कि मुझे तैरना नहीं आता, बहुत अच्छे वाक्य है ये जो है, आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम, मैं नहीं जानता हूँ कि कैसे तैरा जाए। आई डू नॉट नो, मुझे मालूम नहीं कि हाउ टू स्विम, कैसे तैरे, अर्थात मुझे तैरना नहीं आता है। तो हाउ टू लगाया गया है, तो कहाँ कहाँ हाउ टू लग जाता है, जैसे लर्न है और नो है, आस्क है, ऐसे कुछ है, जिनके बारे में आपको जब इन्फिनिटिव का स्पेशल चैप्टर हम पढ़ाएंगे ग्रामर पर, तब यहाँ सारी बारीकियां आपको मिलेंगी। आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम, एक वाक्य ऐसे ही मैंने उसको पुटअप कर दिया है आपके प्रोज इंटरमीडिएट की प्रोज से, तो काइट में रिलेशन था वो, जैसा मुझे अच्छा लगा तो मैंने लिख दिया कि लड़के की जब अली की पतंग हो गई थी, तो फिर महमूद के पास जब उसने खबर दी, तो महमूद ने क्या बोला था, वहां से एक वाक्य है। महमूद ने कहा था, मेरे बच्चे तुम्हें अभी सही तरीके से पतंग उड़ाना सीखना है, और मैं सिखाने के लिए बहुत बूढ़ा हूँ, अर्थात मैं इतना बूढ़ा हूँ कि मैं तुम्हें सिखा नहीं सकता हूँ। तो आपने लिखा, यू हैव येट टू लर्न, तुम्हें अभी सीखना है हाउ टू फ्लाई ए काइट प्रॉपरली, कि पतंग को ठीक तरीके से कैसे उड़ाएं, अर्थात तुम्हें अभी पतंग को सही तरीके से उड़ाना सीखना है। एंड आई एम टू ओल्ड टू टीच यू, और मैं तुम्हें सिखाने के लिए बहुत बूढ़ा हूँ, अर्थात एंड आई एम सो ओल्ड दैट आई कैन नॉट टीच यू। तो ये टी डबल टू और टू का जो प्रयोग आप ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ते हैं, तो वो भी इन्फिनिटिव है, सिखाने के लिए बहुत बूढ़ा हूँ, इतना बूढ़ा हूँ मैं सिखा नहीं सकता हूँ, टू एडवर्ब है, बाकी वो टू इन्फिनिटिव है। चूंकि लर्न और नो जो मैं बोल रहा था, वो हाउ टू जो लगता है वो कुछ है शब्द, आस वगैरह, ये नो जानना, ऐसे सीखना, तो इनमें हाउ लगाना पड़ता है इन्फिनिटिव से पहले, इनको फुल इन्फिनिटिव कहते हैं। अब आगे समझते हैं, हर आदमी तारीफ करवाने की इच्छा रखता है, हर आदमी तारीफ करवाने की इच्छा रखता है, तो ये पैसिव वाइज है कि एवरीबॉडी डिजायर्स, हर आदमी इच्छा करता है टू बी एडमायर, टू बी प्रेज, टू बी एप्रिसिएटेड, वो पैसिव वाइज में इन्फिनेटिव है। लंबी जिंदगी जीना कौन नहीं चाहता है, हु डज नॉट वॉन्ट टू लिव ए लॉन्ग लाइफ, यहाँ पैसिव वाइज नहीं है। पिछले साल गिरफ्तार किए जाने की बात उसने स्वीकारी, ये परफेक्ट में इन्फिनेटिव का पैसिव वाइज है, परफेक्ट में। ही एडमिटेड, उसने स्वीकार किया टू हैव बीन अरेस्टेड, गिरफ्तार किए जाने का, लास्ट ईयर, पिछले साल जो गिरफ्तार किया गया था, ये बात उसने स्वीकारी, तो पिछले साल गिरफ्तार किए जाने की बात उसने स्वीकारी, तो ही एडमिटेड टू हैव बीन अरेस्टेड लास्ट ईयर, ये परफेक्ट में इन्फिनिटिव का पैसिव वॉइस है। अपने नौकर को गाली देने की बात उसने स्वीकारी, ये केवल परफेक्ट में है, परफेक्ट में इन्फिनिटिव है, पैसिव वाइज नहीं है। उसने नौकर को गाली दी थी, ये बात उसने स्वीकारी, और वहां गिरफ्तार किया गया था, तो पैसिव वाइज हो गया था,
इसलिए वो परफेक्ट का पैसू है इन्फिनिटिव द, यहाँ केवल परफेक्ट में इन्फिनिटिव है। ही एडमिटेड, उसने स्वीकार किया टू हैव अब्यूज दिस सर्वेंट, अपने नौकर को गाली देने की बात उसने स्वीकार की। एक परफेक्ट में इन्फिनिटिव है, एक परफेक्ट में पैस्यू का इन्फिनिटिव है, और एक पैस्यू में केवल इन्फिनिटिव है, वो पास्ट इंडेफिनिट का प्रेजेंट इंडेफिनिट किसी में भी है। इन दिनों पैसे से खाली लगता है, नाउ डेज इट सीम्स टू बी रनिंग आउट ऑफ मनी, ये कॉन्टिन्यूस में इन्फिनिटिव है, रनिंग जो आ रहा है लेकिन टू के बाद में बी आ रहा है फर्स्ट वाला, लेकिन वहां कॉन्टिन्यूस आगे है। इन दिनों पैसे से खाली लगता है, नाउ डेज इट सीम्स टू बी रनिंग आउट ऑफ मनी, मूर्ख के अलावाना को भी पसंद नहीं करता है, ये भी पैसे वाइस नेगेटिव में कि नोबडी लाइक्स टू बी कॉल्ड ए फूल, टू बी कॉल्ड किसी के द्वारा कहा जाना के अलावाना। हर आदमी अमीर होना चाहता है, यहाँ ये यहाँ कोई भी जो वर्ब नहीं है बाद में, केवल बी है, लेकिन रिच कोई वर्ब नहीं, एडजेक्टिव है। हर आदमी अमीर होना चाहता है, एवरी बडी वॉन्ट्स टू बी रिच। मैंने उसे धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सिखाया, या हमने हाउ टू का प्रयोग एक बार फिर से कर दिया, चूंकि टीच वगैरह में, लर्न में, आस्क में, नो में, ये अब आपको लगाना पड़ेगा हाउ टू, तो आई टॉट हिम, मैंने उसे सिखाया हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, धारा प्रवाह अंग्रेजी कैसे बोली जाए। तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट गो देयर, यू डू नॉट नीड टू गो देयर। जब नीड का वहां मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में प्रयोग कर दिया है, तो फिर वो गो से पहले टू नहीं लगाया है, और जब नीड का प्रयोग ऑर्डिनरी या मेन वर्ब में किया है, डू नॉट नीड, तो फिर टू लगाया है। तो नीड और डेयर पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, इस बात को मैंने वहां खूब समझाया है, आप वो वीडियो देखिए। तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई, तो हाउ डेयर यू से सो, या हाउ डू यू डेयर टू से सो। तो यह समझना है कि डेयर गया मॉडल ऑक्सिलरी में प्रयोग किया गया है, तो से के पहले टू नहीं लगाया, और जब वहां साइक्रिया डू आ गई है, तो डेयर मेन वर्ब ऑर्डिनरी वर्ब में हो गया, तो टू लगाया है। तो मैंने बोला कि डेयर और नीड पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, ये चीजें आप वहां पढ़ के खूब समझिए। उसने मुझे घर जाने की आज्ञा दी, तो अब यह चल रहा है नीड में टू यहां नहीं लगा, डेयर में से के साथ टू यहां नहीं लगा, लेकिन उधर आगे लग गया है। तो ये बेड माने आज्ञा देना, हेल्प मदद करना, मेक का प्रयोग, कास का प्रयोग, और सी देखना, हियर सुनना, ये कहा ये विदाउट टू इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है, यानी उन्हें बेयर इन्फिनिटिव, डायरेक्ट इन्फिनिटिव कहते हैं। उन्हें बेड माने आज्ञा देना है, तो ही बेड मी गो होम, उसने मुझे घर जाने की आज्ञा दी, ये बेड मी टू गो होम गलत है, लेकिन इसका जब पैसी वाइज बनाएंगे तो पैसी वाइज में टू लग जाएगा, कि मुझे घर जाने की आज्ञा दी गई उसके द्वारा, किसी के द्वारा, आई वाज बिडन टू गो होम। एक्टिव वाइज में यही तो ग्रामर है, एक्टिव वाइज में बिड के साथ में टू नहीं आएगा, लेकिन पैसी वाइज में टू आपको लगाना पड़ेगा। तो ही बेड मी गो होम, उसने मुझे घर जाने की आज्ञा दी, तो आई वाज बिडन टू गो होम सही है। ये दोनों को आप समझिए। मोहन ने मुझे संदूक उठाने में मदद की, तो मोहन हेल्प मी लिफ्ट द बॉक्स, टू लिफ्ट नहीं लिखा गया क्योंकि हेल्प आ रहा है, लेकिन जब उसका पैसे वाइज बनाएंगे तो टू लगा देंगे कि मेरी मदद की गई संदूक उठाने में, आई वाज हेल्प टू लिफ्ट द बॉक्स बाय मोहन, जो भी लिखना हो लिख सकते हैं। तो ये जो बिड है, लेट है, लेट में तो दोनों में नहीं आता, एक्टिव पैसे में दोनों में टू नहीं आता है। लेट देना, जैसे मुझे घर जाने दो, या उसने मुझे घर जाने दिया, ही लेट मी गो होम, मैं इसके द्वारा घर जाने दिया गया, तो आई वाज लेट गो होम हुआ। दोनों में एक्टिव पैसिव में कहीं टू नहीं आता है, बाकी यहाँ एक्टिव में टू नहीं आता, लेकिन पैसिव वाइज में टू आ जाता है। उसने मुझे हंसा दिया, कई प्रकार से ट्रांसलेशन है, तो ही मेड मी लाफ, मेड का प्रयोग किया गया, तो फिर वहां टू नहीं आया, केवल लाफ लिखा। मेक के साथ में टू नहीं आता है, लेकिन जब पैसिव वाइज में जाएंगे तो आएगा उसमें, आई वाज मेड टू लाफ, मुझे हंसाया गया बाइम, ऐसा उसमें लिखा हुआ है ऑन टर्न द ग्रास ऑफर, कि वेन आई वॉज ए वेरी स्मॉल बॉय, जब मैं बहुत छोटा बालक ही था, तो आई वॉज मेड टू लर्न सर्टेन फेबल्स ऑफ ला फाउंटेन, आई वॉज मेड टू लर्न, मुझे जुबानी रटाई जाती थी पैसे वाइज में, तो वहां मेड के बाद में टू आया हुआ है, उसका वो प्रमाण है। तो ऐसे एक्टिव वाइज में मेक मेड में टू नहीं लगता, लेकिन पैसे वाइज में लगता है। और मेक मेड अगर करना नहीं इसे वाक्यों में, तो कास्ट कर दो, कि कास्ट मी टू लाफ, तो भी अर्थ उसने मुझे हंसा दिया, ये कास्टिव वर्ब का प्रयोग है मेक और कास्ट का। ये हमने कास्टिव वर्ब दो वीडियो बनाए हुए हैं, आप मेरे चैनल पर सर्च करें उनको। यहाँ तो बात इन्फिनिटिव चल रही है, टू लगना है कि नहीं लगना है, क्या होना है वो मैं पढ़ा रहा हूँ, इन्फिनिटिव है क्या वो। मैंने उसे घड़ी छुड़ाते हुए देखा, आई सा हिम स्टील द वॉच,
तो ये स्टीलिंग भी सही है यहाँ पे और स्टील भी सही, लेकिन टू स्टील गलत है। आई साइन टू स्टील नहीं लिखेंगे एक्टिव वॉइस में, तो आई साइन स्टील दवा सही है और ये भी सही है, आई साइन स्टीलिंग दवा कर देंगे तो फिर वो प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट के लिए हो जाएगा। मैंने उसे घड़ी चुराते हुए देखा, लेकिन यहाँ पे जो ये भले ही पार्टिसिपल में हुए आ रहा है, नानी ने नहीं आ रहा, लेकिन वो आज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है, उसके पहले जो टू नहीं लगा है, मैं बता रहा हूँ कि ये विदाउट इंफिनिटिव कब लिखते हैं। लेकिन यहाँ जो स्टीलिंग आया वो जीरेंड नहीं है, वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट के लिए है। तो पार्टिसिपल पर भी मैंने वीडियो बनाए है, वहाँ आप देखिएगा ही वाज सीन, वो दिखाई दिया, और स्टीलिंग द वॉच, घड़ी चुराते हुए, ही वाज सीन स्टीलिंग द वॉच, ये उसके पैसिव वॉइस में तो स्टीलिंग हो जाएगा, लेकिन यहाँ यहाँ दोनों में हो जाएगा, एक्टिव वॉइस में स्टील स्टीलिंग दोनों सही है, लेकिन स्टील के बोले टू नहीं लगेगा फर्स्ट बार मारा, तो ये बात वहां समझानी है। मैंने उसे टीवी पर गाते हुए सुना, आई हियर्ड हिम सिंग ऑन द टीवी सेट या टीवी टेलीविजन, तो वह सिंह के वाले टू नहीं आया है, आई हर्ड हिम सिंह, ये सही है। लेकिन जब पैसिव वॉइस में इसको बनाएंगे तो टू लगा देंगे कि ही वाज हियर्ड टू सिंग ऑन द टीवी सेट, टीवी सेट पर उसे गाते हुए सुना गया, मेरे द्वारा, हमारे द्वारा, किसी के द्वारा, वो बात वहां समझनी थी कि लेट का तो हमने लिखा नहीं है, लेकिन लेट का मैंने बोला है कि उसने मुझे घर जाने दिया, ही लेट मी गो होम, तो मैं उसके द्वारा घर जाने दिया गया, आई वॉज लेट गो होम, वहाँ टू नहीं आता पैसे में, लेकिन बाकी में पैसे में टू आया हुआ है। वीडियो को आप रिपीट करिए, जो मैंने नॉलेज याद दिया उसको अपने दिमाग भरिए, समझिए, वीडियो देखिए। अच्छा हो, अब यहाँ पे जो हैड बेटर, हैड रादर, वुड बेटर, वुड रादर, हैड सुंदर, वुड सुंदर, इनका जो यूज होता है बहुत अच्छा अंग्रेजी बोलने में, यहाँ पर जो टू नहीं आता है उसको मैंने समझाया हुआ है, लेकिन हैड बेटर, हैड रादर, वुड बेटर, वुड रादर, हैड सुंदर, रूट सुंदर, ये जो इस पर मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, वहां पर मैं इसको विस्तार से समझाऊंगा, बहुत सारी बात देख करके इनका निगेटिव इंट्रोगेटिव सारा समझाऊंगा। अभी तो यहाँ सिर्फ टू के बारे में समझा रहे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का जो टू लगता है वो कहाँ लगता कहाँ नहीं लगता, इस विषय मैंने ट्रांसलेशन मेथड से ये वीडियो बनाया हुआ है। अच्छा हो कि मैं तुम्हारा अगर तुरंत छोड़ दू, तो ये एक प्रपोजल है, ये एक सलाह है, सोच है, अच्छा रहेगा कि मैं तुम्हारा घर तुरंत छोड़ दूं, अर्थात मुझे छोड़ देना चाहिए तुम्हारा घर, मेरे लिए अच्छा है ऐसा, तो आई वुड बेटर लीव योर होम एट वंस, तुरंत छोड़ दूं, तो कहने का मतलब है कि वुड बेटर जो आया तो टू लीव वहां नहीं लिखेंगे, केवल लीव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा और वो विदाउट टू लिखा जाएगा, डायरेक्ट इन्फिनिटिव यहाँ चलेगा, इसको बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। अच्छा रहेगा, बेहतर होगा कि मैं तुम्हारा घर तुरंत छोड़ दूं, तो आई वुड बेटर लीव योर होम एट वंस, इतनी रात गए घर जाने के बजाय वह मेरे साथ यहीं रुक जाए, बेहतर होगा कि यहीं रुक जाए, अच्छा रहेगा उसके लिए यहीं रुक जाए, इसका ट्रांसलेशन है तो शी वुड रादर स्टे हियर, अच्छा होगा वो यहीं रुक जाए विद मी मेरे साथ, देन लीव फॉर होम, घर जाने के बजाय सो लेट इन द नाइट, इतनी रात गए, तो कहने का मतलब वुड रादर आया तो टू स्टे नहीं होगा और ना ही देन के बाद में टू लीव यहाँ हुआ है, ये समझना है। अगला वाक्य मैंने लिखा हुआ है, ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा अच्छा होगा, बेहतर होगा, बेहतर रहेगा, बेहतर हो, बेहतर रहे, बेहतर रहता, अच्छा रहता अगर ऐसा होता, क्या आप मेरे साथ कुछ दिन यहीं रुकें, अच्छा रहेगा आप मेरे साथ कुछ दिन यहीं रुकें, बेहतर रहेगा आप मेरे साथ कुछ दिन यहीं रुकते, एक ही बात है। तो हैड बेटर से मैंने बनाया हुआ है, यू हैड बेटर स्टे हियर विद मी, अच्छा रहेगा आप मेरे साथ रुके यहाँ फॉर ए फ्यू डेज, कुछ दिन के लिए, तो हैड बेटर आया हुआ तो टू स्टे नहीं किया गया है, मैं इन्फिनिटिव पढ़ा रहा हूँ कि टू वहाँ आना है कि नहीं आना है, बाकी इस पर तो वीडियो हैड बेटर, हैड रादर, हैड सूनर, रूट बेटर, रूट रादर, ये जो है इनको, इन पर एक नया वीडियो हम भविष्य में बनाएंगे। अगला वाक्य मैंने लिखा हुआ है, जाने के बजाय मैं घर पर रुकना चाहूंगा, मैं घर पर रुकना पसंद करूंगा, तो आई वुड एज सून एज स्टे एट होम एज गो, एज सून एज का प्रयोग है वहां पे, जाने के बजाय मैं घर पर रुकना चाहूंगा, आई वुड एज सून एज स्टे एट होम एज गो, ये उसका ट्रांसलेशन है, लेकिन एज सून का प्रयोग वहां आया हुआ तो स्टे लिखा है, टू स्टे नहीं लिखा है। आगे कुछ और इनके अलावा है जहां वो बिना टू के प्रयोग करते हैं, और कहां एक जगह टू लगता है, एक जगह टू नहीं लगता है, वो समझना है। तो रोने के अलावा, रोने के सिवाय उसने कुछ नहीं किया, सी डिड नथिंग बट वीप,
ये बट का निगेटिव अर्थ में प्रयोग किया गया है, तो बट टू वीप नहीं लिखा गया और ना ही उसको लिखते हैं। रोने के अलावा, रोने के सिवाय उसने कुछ नहीं किया, सी डिड नथिंग, उसने कुछ नहीं किया, बट वीप केवल रोई। पूरे दिन सोने के अलावा उसने कुछ नहीं किया, ही डिड नो मोर, उसने कुछ नहीं किया देन स्लीप, सोने के बजाय होल डे पूरे दिन। तो यहाँ पे देन टू स्लीप नहीं हुआ है, ये समझना है। घर जाने के बजाय वे यही रुके या वे यही रुकते, तो हमने हैड सुंदर का प्रयोग कर दिया है कि अच्छा होता कि वे यही रुकते, बेहतर रहता कि वे यही रुकते, जो ऊपर वाक्य भी आए तो कुछ वैसा ही। दे हैड सुंदर स्टे हियर देन गो होम, तो घर जाने के बजाय वे यही रुकते। दे हैड सुंदर स्टे हियर, तो वहां स्टे के पहले हमने टू नहीं लगाया है, ये दिखाया कि इन्फिनिटिव वहां लगेगा नहीं, कहां का नहीं लगता है, हमने वाक्य दिए हुए है। पानी पीने के अलावा उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, यहाँ था छूट गया है। पानी पीने के अलावा उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो एक जगह वहाँ टू लगा हुआ है लेकिन एक जगह नहीं लगा है, उसको समझो कहाँ नहीं लगेगा। शी हैड नथिंग टू ईट, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो वहां तो नथिंग के बाद में टू लगा हुआ है। एक्सेप्ट टू ड्रिंक वाटर, अगर कर दे गलत हो जाएगा, एक्सेप्ट ड्रिंक वाटर, एक्सेप्ट के बाद में टू नहीं आएगा। She had nothing to eat, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था पानी पीने के अलावा, except drink water सही है। अगर पेपर में टू जोड़ दिया गया है तो अंग्रेजी में जो बारी किया है, कंप्लीशन लेवल पे मुझे बहुत सारी वीडियो बनाने हैं, यहाँ से भी आपको फायदे मिलेंगे, ये स्पीकिंग में भी फायदे करेंगे और कंपटीशन में भी, रीडिंग करने में, इंग्लिश सुधारने में जरूर आपकी मदद करेंगे, ऐसी मेरी ये उम्मीद है। आप टीवी देखना चाहेंगे या जल्दी सोना, अंग्रेजी कैसे बनाई गई, डू यू विश, क्या आप चाहते हैं टू वॉच टीवी, टीवी देखना, और गो बेड अर्ली अथवा जल्दी सोना, और गो टू बेड अर्ली, तो यहाँ इसके पहले गो के पहले टू नहीं आएगा। वह बेड कोई वर्ब नहीं है, गो टू बेड स्थान है, सोने जाना, गो टू बेड सोना, लेकिन गो के पहले जो टू वो नहीं आया है, क्यों? ऐसे वाक्यों में आर के बाद में दोबारा फिर वो टू नहीं आता, एक बार हो जाता है। डू यू विश टू वॉच टीवी, क्या आप टीवी देखना चाहेंगे, और गो टू बेड अर्ली अथवा जल्दी सोना चाहेंगे। बेहतर होता वो छाता ले ले, बेहतर रहेगा कि वो छाता ले ले, अच्छा होगा कि वो छाता ले ले, ऐसे बारिश हो सकती है क्योंकि आकाश में बादल छाए हुए हैं। दे हैड बेटर टेक एन अम्ब्रेला विद देम, अपने साथ वो छाता ले ले, ये बेहतर रहेगा। दे हैड बेटर टेक एन अम्ब्रेला, समझाना है कि वह टेक अम्ब्रेला टू नहीं आया हुआ है, न आएगा। दे हैड बेटर टेक एन अम्ब्रेला, उनके लिए बेहतर रहेगा कि वो छाता ले लें विद देम, अपने साथ। इट मे या माइट दोनों सही है, इट माइट रेन, संभावना है बारिश हो सकती है, द स्काई इज क्लाउडी, क्योंकि आकाश बादलों से युक्त है, आकाश में बादल छाए हुए हैं। तो मेरा मकसद नॉन फाइनाइट पढ़ाने का था, तो हमने दो उसमें वीडियो बना दिए हुए है, एक तो पार्टिसिपल में अभी इसके पहले बनाया हुआ